ऑल राइट बडी, वेलकम बैक एंड नेक्स्ट वीडियो। थोड़ी देर बोलो, थोड़ी देर। सो अभी हम लोग रेस करेंगे R15 V3 वर्सेस NS200। सो देखते हैं कौन सी बीट होती है। R15 पे निकलनी चाहिए, NS बीट होनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग तैयार हो रहे थे ड्रैग करने के लिए, तभी एंट्री होती है हमारे प्रोफेशनल स्टार्ट राइडर की, जिनसे जीतने के लिए हम सपने में भी नहीं सोच सकते। R15 V3 कौन जीती? बाइक देख रहे हो, बाइक देख रहे हो, एकदम भोकाल टाइट करने वाली बाइक है, और उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस कर रखे हैं अपनी बाइक में। भाई जीतना मुश्किल हो गया, बाइक को जीतना चाहिए, बाइक जीत जाएगी। पहले से विन कर दे, बाइक जीत जाएगी। बाइक भगाने की इतनी चुल्ल थी ना, आगे निकलने की इतनी चुल्ल थी कि सामने देखा ही नहीं कि कौन है, टकरा जाते अभी, मत क्या करें। सॉरी दीपक भाई। अब एंट्री हुई KTM 200 की, देख रहे हो भाई, मतलब स्टार्टिंग ही व्हीली से कर दी उसने, मतलब सामने वाले की एकदम से ख़त्म कि भाई हम तो हार गए हो। मैंने सोच भी लिया था हम तो हार चुके हैं, बस मुझे ये था कि यार थोड़ी इज्जत बच जाए, सेकेंड थर्ड कहीं भी आ जाएँ, थोड़ा सी इज्जत बच जाए, मगर इज्जत तो ज़रूरी थी बचाने ना। दोनों NS, 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 NS,
रेस ऐसे स्टार्ट होती है, हमको तो नहीं पता था। कितना भी कोई आगे निकल जाए स्टार्ट, चलो देखते हैं।
ऐसे तो नहीं होता। तो देखा शुरुआत में काफी देर था हमारे बीच में एनएस ग्रुप में, वो लोग बहुत आगे रस करे थे, बट बाइक ने क्या परफॉर्म दिया भाई, मजा आ गई, मजा आ गई। वो मजा आ गई, काफी अच्छा लगा, बहुत कहने में। तो फाइनली इस वीडियो करते हैं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफी मजे आ रहे हैं इन ड्रॉप को बनाने में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। एंड प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर सब कर दें।